गुड मॉर्निंग एवरीवन, परम आयुष की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स में के मन में एक कन्फ्यूजन थी कि सर 70वीं बीपीएससी का एडवर्टीजमेंट है, कब जारी किया जाएगा। बहुत सारे डायलेमा में थे कि कब होगा, अब होगा एग्ज़ाम, कि एक महीने बाद होगा, दो महीने बाद होगा, तीन महीने बाद होगा। तो आज बहुत सारे न्यूज़पेपर में उस एग्ज़ाम के बारे में एक न्यूज़ आप लोगों के लिए जारी पब्लिश हुआ है। उसमें 70वीं बीपीएससी के बारे में जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनको सोर्स बना के ये न्यूज़ छापा गया है कि उन्होंने कहा है कि जो अभी तक 70वीं के एडवर्टीजमेंट आई है आयोग के पास वो 250 के आसपास आई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 70वीं बीपीएससी के लिए आयोग के पास 250 वैकेंसी आई है और बीपीएससी ने दोबारा जो है सामान्य प्रशासन विभाग को रिमाइंडर भेजा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अभी तक वैकेंसी भेजी नहीं है, तो उसको फिर से वैकेंसी भेजने के लिए कहा गया जिन्होंने नहीं भेजा है। तो इस महीने के एंड तक वैकेंसी आ जाएगी आयोग के पास और अगले महीने मतलब सितंबर माह में जो आपका एडवर्टीजमेंट 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए सितंबर में अगर एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है तो एक महीने का समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए और स्क्रूटनी को लेकर के स्क्रूटनी प्रोसेस हो गया, सेंटर का जो है चयन हो गया, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह उन सब को लेकर के मान के चलिए कि अक्टूबर महीने में आपका फेस्टिवल भी है, बिहार में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं तो वो पूरा महीना अक्टूबर जो है इंगेज है फेस्टिवल्स में। तो अब एग्जाम कौन से महीने में हो सकता है तो ज़्यादा चांस है कि आपका एग्जाम जो है आपका नवंबर में होगा, नवंबर महीने में, मिड नवंबर के बाद आपका कोई डेट जो है फिक्स किया जा सकता है एग्जाम में अगर आयोग चाहे, ठीक है। अगर नहीं चाहे तो हो सकता है कि एग्जाम आपका जो है दिसंबर में भी जा सकता है। तो अभी आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है मिड नवंबर के बाद हो सकता है, सितंबर में आपका एडवर्टीजमेंट आएगा। वैकेंसी अभी तक आयोग के पास 250 आई है और वैकेंसी आनी है और सारी वैकेंसी अगर आ जाती है तो 68-69 से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होगी इस बार एग्जाम में, ठीक है। तो अभी आपके पास जो 2.5-3 महीने का समय बचा है उस 2.5-3 महीने में करेगा। बच्चों के मन में बहुत सारे डायलेमा है सर कि अभी पढ़ रहे थे पीटी के लिए फिर 3 महीने और पढ़ना होगा, तो जिन लोगों का पीटी बहुत अच्छे से तैयार है उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहें तो उसके लिए जो है अपना डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 घंटा या 1 घंटा उस पर दे सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। 2 आंसर जो है आप डेली लिखें क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे लिखें तो आप करेंट का चूज कर सकते हैं कि करेंट पे लिख सकते हैं आप। करेंट पे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही उठा के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप जो है मेंस के लिए 1-2 घंटा समय दे सकते हैं, बाकी समय अभी आपको पीटी पे ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। और पीटी में भी कौन से सेक्शन पे दें, पीटी के लिए आपको जो है आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे का करेंट अफेयर्स बहुत वीक होता है, इकोनॉमिक्स वीक होता है, तो करंट अफेयर्स के लिए परम आयुष ने अपना करंट अफेयर्स एनुअल करंट अफेयर्स सितंबर 2023 से अगस्त 2024 का पूरा कंपाइल करके जारी कर दिया है। उस करंट अफेयर्स में आपको जितना भी कवर है सेक्शंस है करंट अफेयर्स का, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है, इंडेक्स हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो, उसके थीम्स हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, अपॉइंटमेंट्स हो, वो सब को जो है कवर किया गया है। एक मैगजीन में स्पोर्ट्स इस बार ओलंपिक हुआ है उसको अच्छे से कवर किया गया। तो डिटेल वे में आपको करंट अफेयर्स परम आईएएस के ऑफिशियल जो चैनल है परम आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आपको बहुत सारे सेंटर में मिल जाएगा। तो परम आईएएस का जो करंट अफेयर्स है एनुअल उससे आप जो इसकी हेल्प ले सकते हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग के लिए परम आईएएस ने अपना एक जो बैच लॉन्च किया है 2 महीने का, अगर उसमें आप डेली मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी जाकर जो है ज्वाइन करके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं डेली 2 क्वेश्चन लिख करके। और पीटी के लिए जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर्स हो गया आपका, साइंस टेक हो गया, ठीक है, आप एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए मोर एंड मोस्ट, ठीक है। जो सेक्शन आपका कमजोर है, इकोनॉमिक्स कमजोर है तो इकोनॉमिक्स पे ध्यान दीजिए, अगर आपका जो है साइंस कमजोर है तो साइंस पे ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के मैथ्स वीक होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स से, उसको प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो वीक सेक्शन है आपका उस वीक सेक्शन को आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, और उस पर ध्यान करके उस पर कमांड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो वीक सेक्शन स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर का नहीं बल्कि आप पॉइंट से फाइट्स होता है, क्योंकि 1/3 निगेटिव है तो आपको जो है पॉइंट से लोग 0.25 से लोग बाहर हो जा रहे हैं, तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कोशिश कीजिए कि आपकी तैयारी में जो 2.5-3 महीने का समय मिला आपको उसको आप यूटिलाइज करें, उसको वेस्ट ना जाने दें, ठीक है, और अपनी तैयारी को 2.5 महीने और जो है अच्छे से तैयार करें। उसमें 2 घंटे आप मेंस को दे सकते हैं, बाकी समय आप पीटी पे दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी आयोग के द्वारा ये तो क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो वैकेंसी आएगी वो अगले माह आएगी, एग्जाम जो है मिड नवंबर के बाद आपका होगा, कभी भी 15 नवंबर या उसके बाद कभी भी डेट फिक्स किया जा सकता है। तो जो समय बचा है उस समय पर आप अपने समय को लगाइए, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए, ठीक है, और इस समय को जो है इसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये 2.5-3 महीना जो आखिरी का होता है ना यही डिसाइडिंग होता है, यही डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी होगी और आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी तरह के नेगेटिव एनर्जी की तरफ ना बहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि आप क्लियर हो चुका है, आयोग ने ऑफिशियली बता दिया है, उनके जो कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर उन्होंने बता दिया है कि वैकेंसी हम लोग सितंबर माह में निकालेंगे और तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का वो हेयरिंग भी हो जाएगा, जो रिजर्वेशन है बिहार सरकार का, ठीक है, जातिगत जनगणना पे जो रिजर्वेशन दिया था बिहार सरकार ने उस पर भी निर्णय आ सकता है, तो हो सकता है कि चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो आप मान के चलिए कि नवंबर में आपका एग्जाम होगा, अगले महीने आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें।